आपको भी इस स्वास्थ्य धनतेरस पर और दीपावली पर आप सबको बधाई हो। हम लोग दीपावली मनाएं, बौलावली नहीं मनाएं, सिर्फ बौल बार कर करके वो दीपावली नहीं हुई, दीप जलाएं। सच में दीप से बहुत क्रांति के रूप में है ये, या ज्योति जो प्रकाशित होती है वो हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देती है। और आज के दिन इसका बहुत महत्व है, एक एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें इसको, दीपावली का एक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, आज के इस परिप्रेक्ष्य पे देखना चाहिए कि अब हमारी ठंड का शुरुआत हो रही है, उसका आगमन भी देख सकते हैं। दूसरा ये देख सकते हैं कि आज भगवान श्री राम आए थे, अयोध्या आए थे, उसी में दीपावली मनाई गई थी, ये भी परिप्रेक्ष्य है। उसके साथ साथ ये भी देखिए कि स्वास्थ्य जो धनतेरस कहता है, ये वास्तविक इसका नाम स्वास्थ्य धनतेरस था। धन मतलब सोने का धन नहीं, खरीदारी नहीं है, वो नहीं है, स्वास्थ्य रूपी धन को खरीदना कर चाहिए। मतलब आज से स्वास्थ्य जो है वो ठंड के ऊपर पड़के चली जाती है, ठंड के तरफ निकलती है, जाने लगती है, और जिससे उसका खान पान में भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होती है। और इसी आज संपोषित जितने भी होते हैं, कहने का मतलब कि जिसको कह सकते हैं कि स्टोर करना प्रोटीन का, फैट का, ये सब का स्टोर करना, तो ये ठंड के समय में ज़्यादा होता था, इसीलिए आज से धनतेरस, स्वास्थ्य धनतेरस कहा जाता है। आज भगवान धन्वंतरी का भी जन्मदिवस है, उसी पर हम लोग धन्वंतरी मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं। उन्होंने ही कहा था धन, अब इसका लोग सब दूसरे अर्थों में लेकर के कुछ नहीं, लोग खरीदारी को समझते धनतेरस है, नहीं, स्वास्थ्य के रक्षण के प्रति सजग होना ही धनतेरस है। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपावली अच्छा से मनाएं, पटाखे फोड़ें और खुशियां मनाएं। आपका कार्यक्रम एक होने वाला है, उस विषय में कुछ जानना चाहेंगे, आयुर्वेद को बढ़ावा देने का जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह का आयुर्वेद जो दब चुका है, जो पद्धति पुराना है, जो इलाज है उसको दब चुका है, जो कैसे उसको आप लोग ऊपर लाना चाह रहे हैं? देखिए आयुर्वेद को जिसे कहते हैं ना कि साजिश के तहत इसको नीचे दिखा कर कर करके और इसको दबाया जा रहा है, जबकि आयुर्वेद है जो है यह समग्र चिकित्सा है, यही एक विधा है जो समग्र चिकित्सा है, बाकी सब रोगों का समर तत्कालिक करता है, लेकिन यह समग्र चिकित्सा है और इसमें सभी विधा है, जितनी विधा को देखा जाता है सभी विधा इसमें उपलब्ध है। और इसको निश्चित रूप से अगर बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के जन जन स्वास्थ्य का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस विधा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ये सपना अधूरा रह सकता है, बिहार विकास की ओर नहीं जा सकता है, क्योंकि आज के इस आर्थिक भागदौड़ में जो वो दूसरी पैथी की जो चिकित्सा है बहुत ही खर्चीला हो गया है, और वहाँ तक पहुँच पाना सब जन जन की वो नई बात रह गई है, उसमें बहुत सारे लोग पीसते चले जाते हैं, उसको पहुँच नहीं पाते हैं, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तब तक उनकी पॉकेट उसका अलाउ नहीं कर पाता है, अंततोगत वह बहुत कालकल्पित हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर सरकार को, चूँकि ये जन कल्याणकारी योजना है, चला सरकार एक जन कल्याणकारी व्यवस्था है, तो उसको जन कल्याणकारी को सबके निकट पहुंचने के लिए सबसे उत्तम माध्यम है कि अपने आयुर्वेद को बढ़ावा दे, इसको बढ़ावा दे, और प्रत्येक जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज में, और जितने आयुर्वेदिक कॉलेज जो बंद जीर्ण शीर्ण अवस्था में बंद हो चुके हैं उसको तत्काल खोल कर करके और उसमें पुनर्जीवित कर करके उसमें चिकित्सकों की भर्ती करनी चाहिए, उसके प्रोफेसर को भर्ती करना चाहिए और उसको सुदृढ़ और समृद्ध बनाना चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होगी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, गीजर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की संपूर्ण रेंज के लिए एक बार अवश्य पधारें इलेक्ट्रॉनिक्स जोन में, जो वी मार्ट कैंपस, कसेरा टोली, खजेकला, पटना सिटी में उपस्थित है।